डाकुओं की गुफा बोलते थे। अंग्रेजों के टाइम पे बेसिकली क्या होता था कि बहुत सारी हॉलीवुड एंड बॉलीवुड जो मूवीज हैं उनकी यहाँ पे शूटिंग हो चुकी है। इंस्टाग्राम रील्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छी लोकेशन है। एक स्किन डिजीज किसी अगर इंसान को है तो गंदक के स्रोत में जो है अपना नहा के उसको नेचर में आए हो तो नेचर का मजा लो, ठीक है। ये जो एक्टिविटीज हैं ये सब तो आप। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? जय भोलेनाथ की। चिंता नहीं किसी बात की, मैं हूँ आपका दोस्त विकास और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रैवलिंग जिंदगी में। तो यार बरसात का मौसम खत्म हो चुका है और यकीन मानिए बरसात के बाद पहाड़ों में घूमने का अपना ही मजा है। जो रियल ग्रीनरी है वो हम बरसात के मौसम के बाद ही इंजॉय करते हैं। तो बरसात के मौसम में जैसे लैंडस्लाइड होती है तो लैंडस्लाइड में हम लोग फंस जाते हैं, तो इस चक्कर में बरसात में मैं भी अवॉइड करता हूँ पहाड़ों में जाना। लेकिन अब बरसात का मौसम खत्म हो चुका है और आप लोग अगर प्लान कर रहे हैं बरसात के मौसम के बाद कहीं वैकेशन मनाने का, तो मैं आपको लेके आया हूँ आज उत्तराखंड के देहरादून में। तो आज मैं आपको देहरादून शहर घुमाऊंगा। देहरादून शहर में भी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि एक दिन में आप लोग कैसे देहरादून को पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। जितनी भी देहरादून में फेमस टूरिस्ट प्लेस है ना, और यकीन मानिए सच में अल्टीमेट है वो सारी प्लेस, सारी की सारी मैं आपको बताऊंगा कि किस सीक्वेंस में आप लोग अपना कम टाइम में जो है पूरा देहरादून को कवर कर सकते हैं। बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट, घूमते हैं देहरादून शहर, लेट्स गो। तो मैं खड़ा हूं इस समय देहरादून के बस अड्डे पे। आप लोग चाहे इंडिया के किसी भी स्टेट से आ रहे हो, आपके स्टेट से भी देहरादून की डायरेक्ट बस मिल जाएगी। अगर इनकेस देहरादून की डायरेक्ट बस नहीं होती है तो आपको पहले आना पड़ेगा दिल्ली, एंड दिल्ली से आपको 6 घंटे लगेंगे देहरादून पहुंचने में। जो बस का किराया है वो है 350 रुपये। तो दिल्ली से 350 रुपये में आप लोग जो है वो है पहुँच जाएंगे देहरादून 6 घंटे में। एंड बस आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से जो है वो सारे की सारे बसें लगी हुई हैं। आपको आगे यहाँ कहीं भी जाना है तो वहाँ की बस भी आपको यहाँ से ईजिली मिल जाएगी। बट मैं ये सजेस्ट करूँगा कि देहरादून बस अड्डे पहुँचने के बाद सबसे पहले जो आप लोग हैं वो यहाँ से 2-व्हीलर रेंट पर ले लें। 2-व्हीलर के चार्जेस आपको 400 रुपये से 500 रुपये पड़ेंगे। 400 रुपये में आपको एक्टिवा मिल जाएगी एंड 500 रुपये में आपको बाइक मिल जाएगी। यहाँ से बाहर निकलते ही आपको बहुत सारे 2-व्हीलर वाले जो हैं वो मिल जाएंगे, जो है 2-व्हीलर रेंट पे देते हैं। बाकी यहाँ पे देहरादून में आप स्टे कहाँ पे रहें, सस्ते में आप देहरादून में कहाँ रुके, उसके मैंने अलग से वीडियो बना रखे हैं। वीडियो के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जो है वो वहाँ पे आराम से रुक सकते हैं। बाकी हम लोग यहाँ से चलते हैं एंड कवर करते हैं अब आगे सारे के सारे यहाँ के टूरिस्ट लोकेशंस को। तो हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन की है रूबर्स केव, जिसे कि गुच्चू पानी भी बोलते हैं। और रूबर्स केव इसलिए यानी कि क्योंकि इसे डाकुओं की गुफा बोलते थे। अंग्रेजों के टाइम पे क्या होता था कि जो डाकू लोग होते थे वो अंग्रेजों से सामान वगैरह लूट के यहीं इस गुफा में अंदर जाके छुप जाते थे। और गुफा बहुत ज़्यादा लंबी है, 600 मीटर की ये गुफा है और बहुत ही बढ़िया पानी बहता है दोनों तरफ से आपको गुफा है। अभी अंदर मैं आपको लेके चलूँगा, टाइमिंग मैं आपको बता दूँ कि मॉर्निंग में 6 बजे ये खुल जाता है और शाम को 6:30 बजे तक खुला रहता है। टिकट आपको यहाँ से मिलेगा, जो टिकट चार्जेस है 35 रुपये पर पर्सन, तो 35 रुपीज़ पर पर्सन आपको टिकट के चार्जेस पड़ेंगे। चप्पल जरूर आप लोग यहाँ से ले लेना, 10 रुपये आपको चप्पल के चार्जेस पड़ेंगे। स्टार्ट अंदर जाके भी आपको बहुत सारी चप्पल की दुकानें मिल जाएंगी। अगर आप 2-व्हीलर से आ रहे हैं तो आप अपना हेलमेट भी वहाँ पे आराम से डिपॉजिट करा दीजिएगा, हेलमेट का कोई चार्जेस नहीं है। अगर आपके पास लगेज है तो लोकर फैसिलिटी भी आपको मिल जाएगी। या इसके अलावा अगर आपको घूमते घूमते थक गए हैं, आपको भूख लग गई है, तो मैगी वगैरह आपको खानी है मैगी का भी इंतजाम हो जाएगा अंदर। या आप कुछ और खाना चाहते हैं तो बाकी का भी आपके आराम से पेट पूजा हो जाएगी। तो सारी व्यवस्था हो जाएगी आपको, इसलिए टेंशन कोई नहीं लेने का, अपना सामान उठाने का और घूमने का गुच्चू पानी। तो चलते हैं अंदर, मैं आपको सारा अंदर दिखाऊंगा कि गुच्चू पानी में आपको क्या क्या आप लोग एंजॉय करने वाले हैं। तो चलिए,
तो गुच्चू पानी हम लोगों ने घूम लिया और सच बोलो बहुत ज़्यादा मज़ा आया गुच्चू पानी को घूमने में। आप लोग भी आएंगे तो आप लोग सच में बहुत ज़्यादा इंजॉय करेंगे, क्योंकि ये भी एक वन ऑफ द मस्ट टूरिस्ट प्लेस है अगर आप देहरादून को एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो अब यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन पे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी अगली देहरादून की मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन पे, जो कि है FRI यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट इसको बोलते हैं, यानी हिंदी में बोले तो वन अनुसंधान केंद्र। तो बहुत ही बढ़िया प्यारी लोकेशन है, शहर के बीचों बीच बसी हुई है एंड अल्टीमेट एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे आएगा। बहुत सारी हॉलीवुड एंड बॉलीवुड जो मूवीज हैं उनकी यहाँ पे शूटिंग हो चुकी है। फोटोशूट के लिए तो मस्त प्लेस है, इंस्टाग्राम की रील बनाने के लिए मस्त प्लेस है और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। चार्जेस इसके मैं बताऊं, जो चार्जेस है वो 15 रुपये पर पर्सन है। टाइमिंग सवेरे 9:30 बजे खुल जाता है एंड 5:30 बजे तक की टाइमिंग रहती है। टू व्हीलर आप लोग अंदर लेके जाना चाहते हैं तो उसके चार्जेस आपको 25 रुपये अलग से पड़ेंगे। तो ये तो रही चार्जेस की बात, बाकी दो बातों का आपको और ध्यान रखना है। एक तो आपको अपना आधार कार्ड जरूर साथ लेके आना है एंड सेकेंड यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट एक्सेप्ट नहीं होती, तो आपको जो है वो यहाँ पे कैश लेके आना पड़ेगा, ऑनलाइन पेमेंट नहीं एक्सेप्ट की जाती। तो अभी हम लोग भी अंदर चलते हैं एंड घूमते हैं FRI। अगली जिस लोकेशन पे हम लोग पहुंचे हैं वो है बुद्धा टेम्पल। तो बुद्धा टेम्पल ये है एंड शहर के बीचों बीच है एंड ये भी एक मस्ट विजिट जो है वो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है देहरादून में। देहरादून बस अड्डे से बहुत ही ज़्यादा पास में ये लोकेशन, मैं सजेस्ट करूँगा कि देहरादून बस अड्डे में अगर आप लोग उतरते हैं तो वहाँ से सबसे पहले आप लोग बुद्धा टेम्पल आएगा। टाइमिंग यहाँ की बात करूँ तो टाइमिंग है यहाँ की 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक एंड जो चार्जेस है टू व्हीलर पार्किंग के वो 20 रुपीज़ है एंड 4 व्हीलर के 40 रुपीज़ यहाँ पे चार्जेस पड़ते हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, आप लोग भी बुद्धा टेम्पल आएंगे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बस एक बात का याद ध्यान रखिएगा कि जो सामने आप मेन मोनेस्ट्री का टेम्पल देख रहे हैं उसके अंदर जो है वो वीडियोग्राफी प्रोहिबिटेड है, उसके अलावा बाहर के एरिया में आप लोग जो है अपना वीडियो शूट कर सकते हैं। तो निकलते हैं यहाँ से फटाफट अपनी अगली लोकेशन के लिए देहरादून की। तो घूमते घूमते मैं पहुंच गया अपनी अगली फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन में देहरादून की, जो है सहजधारा। जी हाँ, ये आप लोग देख सकते हैं कि एक नेचुरल नदी आ रही है एंड यहाँ पे बेसिकली जो है वो पानी को रोक के एंड अलग अलग तरीके के पौंड बनाए जाते हैं। आप लोग पीछे देख भी सकते हैं कि लोग नहा रहे हैं और सच माना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। गर्मियों के टाइम पे भाई ये जगह बिल्कुल पैक रहती है। जी हाँ, ये जो अभी आप खाली जगह देख रहे हैं यहाँ पे पैर रखने तक की जगह नहीं होती, क्योंकि भाई क्या करें, सहजधारा फेमस ही इतनी है। तो अगर आप भी देहरादून आने का प्लान कर रहे हैं तो सहजधारा मस्ट विजिट टूरिस्ट प्लेस है एंड यकीन मानिए यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो। तो यहाँ पे पास में शिव मंदिर है, आप आएंगे तो शिव मंदिर भी जा सकते हैं।
एंड इसके अलावा सहजधारा के पानी की एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी है, और वो ये कि आपको किसी भी तरीके का अगर कोई चर्म रोग है, जिसको हम बोलते हैं कि स्किन डिजीज है, तो सहजधारा में गंधक का पानी मिक्स होता है। बाकी इसके अलावा इस जगह की अगर मैं एंशियंट हिस्ट्री की बात करूं, तो युद्ध द्रोणाचार्य जो कि महाभारत के टाइम पे थे, उन्होंने यहाँ पे तपस्या की थी, इसलिए यहाँ पे सैकड़ों धाराएं निकली थी, इसलिए इस जगह को सहजधारा कहा जाता है। मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि अगर आप सहजधारा आने का प्लान करेंगे तो सहजधारा आप लास्ट में रखिएगा, क्योंकि मेन देहरादून शहर से जो सहजधारा है वो थोड़ा डिस्टेंस पे है। एंड वैसे भी यार देखो, जब हम वाटर एक्टिविटी करते हैं तो उसके बाद हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं, कहीं और जाने की हिम्मत नहीं होती, तो सहजधारा को आप लास्ट में रखिएगा, सो दैट वाटर एक्टिविटी करने के बाद आप यहाँ से सीधा अपने होटल रूम में जाएं। तो भाई सहजधारा आने के फायदे ही फायदे हैं, इसलिए नेवर मिस द सहजधारा। एंड एक बात और बताऊं भाई, यहाँ की एंट्री बिल्कुल फ्री है, सिर्फ 10 रुपये चार्ज बढ़ेंगे आपको पार्किंग के, इसके अलावा कोई पार्किंग चार्जेस नहीं देने, सहजधारा में आना बिल्कुल फ्री है। तो आज जितनी भी मैंने आपको दिखाई घुमाई, ये सारी की सारी देहरादून की फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन थी। आप देहरादून आए तो इन जगहों पे जरूर विजिट करिए, या आप मसूरी घूमने आए हैं और आपके पास एक दिन बच गया है, तब भी ये जगह आप अगले दिन देहरादून में एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी अगर ओवरऑल खर्चे की बात करें, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट रहता है हर ट्रिप में, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर मैं पार्किंग चार्जेस और एंट्री की बात करूं, तो पार्किंग चार्जेस हम लोगों ने एक दिए गुच्छू पानी में, 35 रुपये जो है वो एंट्री चार्जेस थे, एंड 20 रुपये आपकी बाइक चार्जेस थे। उसके बाद FRI की बात करूं, तो 15 रुपये FRI में एंट्री चार्जेस थे, एंड 20 रुपये वहां पे भी बाइक के चार्जेस थे। इसके अलावा हम लोगों को पार्किंग चार्जेस पड़े थे बुद्धा टेम्पल में, जहां 20 रुपये पार्किंग चार्जेस थे, लेकिन एंट्री चार्जेस कोई नहीं थे, और 10 रुपये पार्किंग चार्जेस पड़े सहजधारक के। तो भाई ओवरऑल 130 रुपये में आप लोग घूमने वाले हैं पूरा देहरादून। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 130 रुपये में पूरा देहरादून शहर एक्सप्लोर होने वाला है भाई। जितनी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है देहरादून में, पूरा 130 रुपये में एक्सप्लोर करने वाले हैं। इसमें अगर पेट्रोल का चार्जेस मैं जोड़ लूँ, तो 200 रुपये आपकी बाइक का पेट्रोल बढ़ेगा, 200 रुपये बाइक में पेट्रोल इनफ होगा, 200 रुपये में आप पूरा देहरादून घूम लेंगे, एंड 400 रुपये बाइक रेंट के जोड़ लेते हैं, तो ओवरऑल 700 से 750 रुपये आपको पड़ेगा, जिसको अगर 2% में डिवाइड कर दें तो 300 से 350 रुपये आपका पर पर्सन बजट आएगा। तो ये बात रही बजट की। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड वीडियो आपका बजट प्लान करने में देहरादून के लिए जरूर काम आएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में देहरादून के फिर किसी खूबसूरत लोकेशन के साथ। तब तक के लिए बी सेफ, बी हेल्थी, जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं किसी बात की। बाय बाय।